विकास प्राधिकरण का दस्ता बुलडोजर पर सवार होकर बिघनों के बिनगवा पर पहुंचा, जहां पर BACL नामक एक कंपनी ने अराजी की जमीन दिखाकर सीलिंग के हजारों गज जमीन गरीबों को टुकड़ों में करके बेच डाला। वहीं बने हुए दर्जनों घरों पर चला KDA का बुलडोजर, जिसको देख लोग फफक कर रोते रहे और गरीबों की आशियानों पर बुलडोजर चलता रहा। इस बीच पुलिस और पब्लिक की झड़प भी हुई। पीड़ितों का कहना है कि कानपुर विकास प्राधिकरण का दस्ता बिना कोई नोटिस दिए ही गिराने चले आए। वहीं बताया कि कुछ दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष विधायक सतीश महाना से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि तुम्हारे घर तोड़े नहीं जाएंगे और उसी घर को कॉलोनी के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। वहीं KDA ने बताया कि बने हुए शेष घरों पर कानपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा किए और चेतावनी देकर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। और उसका दलाल राकेश प्रजापति था, उससे मैंने ली जमीन। क्या कह रही हैं आपकी, उसका घर कहाँ पर है? जिसकी जमीन है, जमीन से एग्रीमेंट BACL कंपनी ने किया है और BACL कंपनी से हम लोगों ने लिया है, तो उसका जमीन वाले का भी घर है, तो उसकी भी सेलिंग भी हो गई, उसका भी घर गिराइए। हम लोग भी पांच पिसुआ में घर बनाए, उसका भी गिराइए। क्या मतलब है कि आप कमजोर हैं, इस वजह से आपका घर गिराया जा रहा है? कमजोर समझा,